हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आई हूँ और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है ट्रिलोमा क्रीम के ऊपर। क्या है ये क्रीम, क्या काम करती है, इसके प्राइस क्या है, कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है और इसे कैसे लगाना चाहिए ताकि आप साइड इफ़ेक्ट से बच सके। ओके गाइस, तो आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ, तो गाइस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही नई क्रीम है ये, तो आपको बहुत कुछ इसके बारे में जानने को मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे कनेक्टेड रहें गाइस। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, ये क्रीम आपको 15 ग्राम की ट्यूब पैकेजिंग में मिलती है, लेकिन प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है गाइस? इसका प्राइस है 645 रुपये। अगर आप इसे किसी ऑफर में भी ख़रीदते हैं, लाइक जो आपकी वेबसाइट है, जो मेडिकल वेबसाइट है, वहाँ से भी अगर आप इसे ख़रीदते हैं तो आपको 550 यानी कि 550 रुपये के अराउंड में ये मिल जाती है। इतनी महंगी ये क्रीम क्यों है, मैं आपको ये थोड़ा सा बताने वाली इस वीडियो के अंदर। तो ये क्रीम मैंने आपको बता दी, थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर आती है। इसके क्यों यूज़ की जाती है, इसकी क्या बेनिफिट है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देती हूँ। गाइस, ये क्रीम यूज़ की जाती है मेलाज़मा के लिए। हाइपर मेलाज़मा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्किन डार्क हो जाती है, अनइवन स्किन टोन हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, चेहरे पे छोटे छोटे फ्रैकल जैसे स्पॉट क्रिएट हो जाते हैं, डार्क स्पॉट छोटे छोटे हो जाते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए क्रीम यूज़ की जाती है। अनइवन स्किन टोन के लिए यूज़ की जाती है और स्किन को स्मूथ बनाने के लिए यूज़ की जाती है, इवन टोन मिलाने के लिए यूज़ की जाती है। एंड वन मोर थिंग जो यूज़ की जाती है गाइस, जिनको सेंसिटिव स्किन की प्रॉब्लम रहती है, लाइक सडन चेहरे पर रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग हो जाती है, तो उसके लिए भी इस क्रीम को यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, तो हमने इसके यूजेस आपको बता दिए। अब इसके बात करते हैं इसमें क्या ऐसा यूज़ किया गया है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो चलिए गाइस उसके बारे में अब जान लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि ट्रिलोमा क्रीम को बेसिकली यूज़ किया जाता है स्किन लाइटनिंग के लिए, स्किन का कलर जो डार्क होता है उसको लाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको इस्तेमाल करते हुए आपको कई सारी सिचुएशन होती है जिनको ध्यान में रखना होता है, कई सारी प्रिक्वेशन होती है जिनको ध्यान में रखना होता है। ओके गाइस, हर लोगों के अंदर एक वो रहता है कि पिगमेंटेशन स्किन के अंदर होता है, पर गाइस स्किन के अंदर अगर आप देखेंगे, स्किन के आप ऊपर लेयर उतार दीजिए तो आपको क्या पिगमेंटेशन नज़र आता है? नहीं आता। पिगमेंटेशन हमारी स्किन के अपर लेयर में होता है, ना कि अंदर। तो इसे जब भी आप इस क्रीम को लगाएं तो इसे रब नहीं करना होता है, इसे जस्ट लाइक एक लेयर की तरह लगाना होता है, जैसे हम कोई पेस्ट वगैरह लगाते हैं ना अपने चेहरे के ऊपर, जस्ट वैसे ही इसे लगाना, बहुत ही थिन लेयर लगानी होती है। और इसे लगा के आप छोड़ दीजिए, नाइट में लगाना होता है, दिन में आप इसे कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर भी अगर आपको रिकमेंड करेंगे तो रात में ही रिकमेंड करेंगे। इसको सोने से आधे घंटे पहले ज़रूर लगा लीजिए, अपनी फेस को क्लीन करने के बाद में, जब आपके फेस पे ये अच्छे से सेट हो जाए, ये सूख जाएगी बिल्कुल ही। बहुत ही थिन लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा एक पैक की तरह नहीं लगाना है, ये बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो जब आपके चेहरे पे सेट हो जाएगा तो आधे घंटे बाद इसे आप सो सकते हैं। लगाने से पहले और लगाने के बाद में अपने हाथों को अच्छे से क्लीन ज़रूर करना है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर आप इसे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपके बेबी के अंदर ये क्रीम चली जाती है तो उसको नुकसान दे सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आपके अंदर ना जाए। आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको यूज़ करना है या नहीं करना है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन पर किस तरह का रिजल्ट इसका आता है वो नहीं पता होता है, किसी भी तरह से रिएक्शन हो सकता है, तो इसलिए अवॉइड करिएगा इस क्रीम को यूज़ करना। गाइस, वन मोर थिंग, अगर आप आपका घर जो है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आपको एलोब्रेट कर देती हूँ उस क्रीम के बारे में। अगर आपका घर एल शेप का है, ठीक है, एल शेप का, तो बहुत ज़्यादा धूप वगैरह अंदर आती है, हीट वगैरह रहती है, तो इस क्रीम को कोशिश करिएगा, इस क्रीम को लगाने के बाद आपको डे टाइम में भी सनस्क्रीन ज़रूर लगाना, अगर आप घर के अंदर भी हैं तो। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, बहुत सारे लोगों ये कंप्लेन करते हैं कि हम अपने घर में ही रहते हैं तो भी हमारी स्किन डार्क हो जाती है, क्योंकि इसके एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि जब इसे लगाना छोड़ते हैं या इसे लगा रहे होते हैं तो आपकी स्किन डार्क हो जाती है, वो इसी वजह से हो जाती है कि आपकी जो स्किन है ना वो हीट नहीं ले पाती, हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाती और आपकी स्किन डार्क हो जाती है। ओके गाइस, ये बातें आपको बहुत ही रेयरली होंगे जो लोग बताते होंगे, पर मैंने जैसे कि इस फील्ड में मैं रही हूँ और मैंने इन चीज़ों को खुद यूज़ भी किया है, तो मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी इनके बारे में हो चुका है, और मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकूँ ताकि आपकी स्किन सेफ रहे। एंड गाइस, जैसे कि आपको इस क्रीम के साथ में क्या क्या ध्यान रखना है, जब भी आप इस क्रीम को लगाएं तो रात में लगाना है, दिन में आपको क्या लगाना है, मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना है गाइस, कोई भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ ज़रूर करिए ताकि आपकी स्किन एक तो ड्राई ना पड़े और काली ना पड़े। इसके साथ में आप कोजिक जेल आता है मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी रहा है ये प्रोडक्ट, आप वो यूज़ करिए ताकि आपकी स्किन काली ना पड़े और आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स वगैरह जो हो जाते हैं वो ना हो।
एक बात का आपको और ध्यान रखना है गाइज, इसको कभी भी रेगुलर यूज़ नहीं करना है। हम जनरली डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी हमें जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं, इसे आप इतने टाइम तक लगाइए, ये डेली यूज़ करिए। अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाता है तो आप डॉक्टर से ये नहीं पूछते कि अगर हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करें। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ, आप इसे कभी भी रेगुलर यूज़ मत करिए इस तरह की क्रीम को, हमेशा गैप से यूज़ करना है आपको, चाहे आपको कितनी ही हैवी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो भी। अगर आप अपनी स्किन को पतला होने से, रेड वेंस दिखने से, रेड स्वेलिंग जो चेहरे पे आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, उससे बचाना चाहते हैं अपने चेहरे को, तो कभी भी इसे कंटिन्यू यूज़ नहीं करना है। अगर आपने इसे 10 डेज़ यूज़ किया है तो गाइज़ 10 डेज़ के बाद में एटलीस्ट 5 डेज़ का आपको गैप ज़रूर करना है। ऐसा करने से क्या होगा, इसके आपको बेनिफिट मिलेंगे, साइड इफ़ेक्ट से आप बच जाएंगे। सीवियर जो साइड इफ़ेक्ट्स इसके होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्किन की वेंस दिखने लगती हैं। मैं बहुत सारे मेरे पास ऐसे आते हैं लोग जो कहते हैं कि मैम हमारी वेंस दिख रही है, अब हम क्या करें। तो अगर इस प्रॉब्लम से आपको बचना है तो गैप से यूज़ करना है गाइस, ये बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी ये क्रीम को आप लगाने जाएं तो पैच टेस्ट ज़रूर करना है, बिना पैच टेस्ट किए कोई भी क्रीम अपनी स्किन पे या कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। नाउ गाइस अब मैं आपको बताती हूँ इस क्रीम के अंदर ऐसा क्या यूज़ किया गया जिस वजह से इतनी ज़्यादा कॉस्टली है। इसके अंदर एक जो नया इंग्रीडियंट्स आया वो मैं आपको बताती हूँ, बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है, आपको अदर अदर क्रीम में ये देखने को मिल जाता है। इसके अंदर यूज़ किया गया है मोमिटाजोन फ्यूरेट की जगह फ्लोसिनोलोन का एसीटोनाइट का, जो कि एक केमिकल है गाइस। थोड़ा सा नाम मुझे प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने थोड़ा यहाँ लिख के रखा था। तो एक तरह का ये भी स्टोराइड है, लेकिन ये स्टोराइड मोमिटाजोन फ्यूरेट के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो है, थोड़ा लो है, और इसी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली भी हो गया है। और इस क्रीम के अंदर ये बहुत ही फाइन क्वालिटी के अंदर यूज़ किया गया है, बहुत ही स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर यूज़ किया गया है, ताकि स्किन पे किसी तरह का सीवियर डैमेज वगैरह वो ना हो और हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी क्योर हो जाए। ठीक है, तो ये है, नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर आपको बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो आपके जो भी डाउट है इस वीडियो के अंदर वो आपको अगली वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मैक्सिमम ड्यूरेशन गाइस ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करती है कि आपकी कितनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, यानी आपकी पिगमेंटेशन अगर बहुत ही कम है तो जल्दी ठीक हो जाता है, अगर आपका पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा डार्क है तो उसको टाइम लगता है ठीक होने के अंदर। ओके गाइस, सो गाइस ये इन्फॉर्मेशन थी सारी इस ट्रिल्यूमा क्रीम के ऊपर, आई होप आपको सारी बातें एक्सप्लेन हो गई होंगी, सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर वॉच करिएगा ब्लूमा वर्सेस ट्रिल्यूमा, इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या केमिकल्स में डिफरेंस है, किसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितने ज़्यादा ये हमारे को इफेक्ट कर सकती है, कौन ज़्यादा वर्क करती है, कौन कम वर्क करती है, किसे साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, किसे साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, तो ये आपको सब कुछ इस वीडियो में पता चलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में हमारी, तो उसको जाके जरूर वॉच करिएगा। सो गाइज आज की ये इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपके साथ में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, आपको आपके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज। सो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।